हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे नए वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल है और हमारे वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी इंटरनल हार्ड डिस्क, जो किसी भी लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा होता है, अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए या लैपटॉप ख़राब हो जाए, तो आप उसके हार्ड डिस्क को कैसे यूज़ में ला सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल वीडियो है, तो अगर पूरा जानना है तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका एक इस ये जो हार्ड डिस्क है, हिताची का हार्ड डिस्क है और ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक इसका कवर मंगाया, जो कि फ़्लिपकार्ट से मंगाया। लगभग मेरे को 300 रुपये उसका लग गया, ठीक है। तो आज मैं उसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि उसको कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उसको यूज़ में लाते हैं। तो चलिए उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है और चलिए इसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा पैक है, ये बबल रैपर में पैक है, क्योंकि अगर टूट गया फूट गया तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया होता है, बबल रैपर में पैक है। तो ये देखिए टैग ब्रांड का, ठीक है, 2.5 साटा एक्सटर्नल यूज़, ठीक है। इसका पीछे प्राइस लिखा हुआ है, तो हम इसको देखते हैं। ये देखिए टैग ब्रांड का है, 2.5। अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को कृपया करके एंड तक देखें। अब देखिए बॉक्स में क्या क्या है। एक तो सबसे पहले इसका एक्सटर्नल केस है, ऊपर से इसका स्क्रू ड्राइवर है, ये स्क्रू ड्राइवर इसका, और इसके नीचे में कुछ वोल्ट्स पेंच दिए गए हैं और एक इसका यूएसबी कनेक्टिंग वायर, ट्रिपल यूएसबी कनेक्टिंग वायर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि आप इसको कैसे यूज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका इसका ये जो है, इसमें पेंच रहता है, इसमें पेंच लगा के कसना होता है, तो पहले आप इसका ये निकालिए। तो ये सिर्फ इसका केस है और बाकी का पूरा किट हमारा ये। इसको देखिए कनेक्ट कैसे करते हैं। ये आपका कोई भी आप कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकालिए या लैपटॉप का हार्ड डिस्क निकालिए, आपका इसी सेट में आएगा, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे पिन बना हुआ है, यहाँ पर पिन बना हुआ है बड़ा छोटा का, आप यहाँ पर बना सकते हैं ये बड़ा, इसको जैसे पिन में कनेक्ट होता है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आराम से कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी टूट गया तो ये फिर वेस्ट हो जाएगा। और इसको फिर इसके केस में डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे एक यूएसबी कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि आपके डायरेक्ट लैपटॉप या किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से कनेक्ट होगा। फिर इसके पेंच हैं, तो इसके यहाँ पे दो पेंच दिए गए हैं, आप एक पेंच इसमें कर सकते हैं, एक पेंच इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये लिया मैंने यूएसबी कनेक्टर, जो कि इसमें गया और फिर हमारे लैपटॉप में, ये लैपटॉप भी आपके सामने है, मैं आपके लैपटॉप में करके दिखाता हूँ। ये अपने यूएसबी पिन में मैंने डाला, तो डालते के साथ यहाँ पे कुछ मैसेज आएगा, उसके बाद आप इसको जाके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसका ड्राइव बन जाएगा, ये देखिए ये ऊपर का जो ड्राइव है, ये ओएस हो गया, ये फन और ये मेरा नाम का ड्राइव है, तो ये मेरा ड्राइव है। बाकी का ये नीचे है, लोकल डिस्क जी, लोकल डिस्क एच, लोकल डिस्क आई एंड लोकल डिस्क जे। तो ये सारा ड्राइव जो है वो इस एक्सटर्नल डेटा का है। ये अभी फुल इसलिए क्योंकि ये मेरा पहले वाले लैपटॉप का था, तो उसका सारा डेटा इसमें है, इसलिए ये इतना फुल बता रहा है। तो आप इसको नॉर्मल ऐसे कनेक्ट करके आप इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह आप इसको यूज़ ला सकते हैं। तो ये मेरे अंदर का फाइल है सारा, जो भी मेरे जो डिस्क में है उसका फाइल। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं भी और बढ़िया बढ़िया टेक्निकल वीडियो इस चैनल पे डालता रहूँगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।